सीरम है ये आप लोगों को 10,000 का भी जो सीरम है ना वो भी इसके आगे जीरो है, मैं गारंटी से बात कर रही हूँ आप लोगों से। ये देखिए आप चमक देखें स्किन के अंदर, आप स्किन के शाइनिंग देखें, ये देखें ये मेकअप के लिए तैयार हो गई है। अगर हम सर्दियों में हम एक दिन छोड़ के ये रेमेडी करें या डेली आप 15 दिन करके देखें तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप ये देखें इसकी स्किन कितनी अच्छी ग्लोई हो रही है और मेकअप के लिए ये मुकम्मल रेडी हो रही है। फिर आपकी बेस कैसे क्रैक हो सकती है, यहाँ से आप ये जो मैंने सीरम बताया है ये आप लोगों को सर्दियों में डेली रूटीन के साथ भी आप इसे लगाएंगे और इसको मेकअप स्टार्ट करने से पहले कोई काशी कोई सीरम नहीं, कोई सरत मिसबाक नहीं, कुछ भी नहीं, आप ये लगाएं और मेकअप स्टार्ट करें और गारंटी से मैं ये बात करती हूँ कि आपका 100% ये मेकअप स्टे करें। YouTube फैमिली सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो मेरी बहनें एजेंट हैं जिन आंखों के नीचे रिंकल्स बढ़ जाती हैं, यह जो रेमेडी है खासतौर उन बहनों के लिए, आप लोग इसको ट्राई करें और कमेंट में आके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी है। आप इसे फेशियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेरी बहनें हैं जो फेशियल में मसाज के तौर पर क्रीम इस्तेमाल करती है या इसको लगा सकती है, इसका मसाज कर सकती है। ये है मैं अपनी फेशियल में ज्यादातर इसे इस्तेमाल करती हूँ और जो मेरी बहनें हैं वो ज्यादातर जो रिंकल्स के लिए आती हैं मैं उन पे भी ये मसाज करती हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिन में काफी इसका रिजल्ट मिलेगा और आप लोगों ने बताना है कि इससे आप लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे लाजमी बताना है। ये देखिए ये आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है और ये ओरिजिनल है, आप लोगों ने इसको ओरिजिनल ही लेना है, ठीक है। अगर आप इसमें रोज और लेमन का ऑयल ऐड करना चाहें तो 1 स्पून इसमें ऐड करके मिक्स करके इसका भी मसाज कर सकती हैं। सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए आपके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है, इससे आपकी स्किन व्हाइट होगी, ग्लो आएगा, स्किन में शाइनिंग आएगी। आप लोगों ने ये ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये इसकी फुल बोतल है और इसमें ये इवियन के कैप्सूल है और जो इवियन के कैप्सूल है हमने 400 mg के लिए हैं, ये स्किन के लिए होते हैं और जो 600 mg के हैं वो हेयर्स के लिए होते हैं। तो हमने 400 mg के ये कैप्सूल लिए हैं। तो ये देखें इसमें हम ऐड करते जाएंगे। इस जो रेमेडी को आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी लगा सकती हैं, जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं आम रूटीन में सर्दी की वजह से उनकी स्किन जो रफ हो गई है तो वो अपने हाथों पे भी, पाओं पे भी और फेस पे भी इसको लगा सकती हैं। इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों ने बताना है मुझे लाजमी कि आप लोगों को ये ट्रिक जो है, ये रेमेडी जो है वो कैसी लगी है। मैंने जो है इसके अंदर 4 इम्योन के जो कैप्सूल है रेड कलर के हैं वो अच्छी तरह इसमें ऐड करके फिर हम इसको अच्छी तरह कवर करके इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और जो मेरी बहनों की स्किन ड्राई होती है, अक्सर मैंने देखा है वो यही कमेंट्स करती हैं कि हमारी स्किन ड्राई है, हमारा हम जो बेस लगाते हैं वो आंखों के नीचे से क्रैक हो जाता है, होंठों की साइडों से वो खराब हो जाता है। तो ये जो ट्रिक है उन लोगों के लिए भी है, ये इसको ये हल्का सा लेके तो जो आंखों के नीचे रिंकल्स हैं उस पर हल्का हल्का सा ये मसाज कर लें और पूरे फेस पे अच्छी तरह इसको मसाज करके लगा के फिर वो 5 मिनट के बाद मेकअप स्टार्ट करें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उनकी जो बेस है वो कभी भी क्रैक नहीं करेगी, ये ड्राई स्किन वालों की, और जो आयरिस स्किन वाले हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है सर्दियों में बेहतरीन है, मॉडल आई हुई है, आज मैं आप लोगों को जो हम फेशियल में इसका मसाज करते हैं, मसाज की जगह इसका करते हैं वो भी दिखाते हैं और दूसरी बात ये है कि हम मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन के अंदर इसको किस तरह पेनिट्रेट करते हैं तो वो भी दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं। चलिए जी ये देखें ये मेरी मॉडल का फेस है, हमने इस पे देखें कितना अच्छा हो गया है। ये स्टार्ट में भी आप लोगों ने मेरी मॉडल को देखा था और अब देखें कितनी चेंज हो गई है, कितनी प्यारी प्यारी सी हो गई है, ग्लोई ग्लोई सी, चुचुमुचू सी। अब इस पे हम ये देखें हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मेकअप से पहले हम स्किन को किस तरह प्रेप करते हैं, मैं अपने व्यूवर्स को, अपने प्यारे जो मेरे व्यूवर्स हैं मेरी रूटीन से जो वीडियो देखते हैं उनके लिए है। ये देखें ये वो है सीरम जो हमने, ये वो सीरम है जो आप लोग 2-2 हजार का, इतना इतना 3-3 हजार का सीरम लेके हम लगा रहे होते हैं काशी का किसी भी ब्रांड का, तो ये आप लगा के तो देखें मुझे बताइएगा, दुआई देंगे मुझे। आप इसे सीरम वाली बोतल में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इससे स्किन इतनी जबरदस्त हो जाएगी, यहाँ पे जो रिंकल्स होते हैं, यहाँ पे जो बेस खराब हो जाती है, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। अब हम इसका मेकअप स्टार्ट करेंगे और इंडियन मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये उसके लिए हम जो स्किन को प्रेप कर रहे हैं अच्छी तरीके से और ये बेहतरीन सीरम है। आप लोग करें ये देखें हम इसको स्किन के अंदर जजब कर रहे हैं, ये देखें यहाँ से हमारी जो स्किन है वो खराब होती है, बेस खराब होती है, तो ये इस तरह करके ये और ये देखें ये इस तरह
इससे आपकी जो लाफ लाइंस होती हैं, झुरियां होती हैं, जो मेरी बहनों को काफी शिकायत होती है, कोई सीरम मंगवा रही होती है उनसे भी उनको फायदा नहीं होता। तो आप लोग ये करके देखें, मेरे कहने पे मैं आप लोगों को 100% इस बात की गारंटी और दावे से बात कर रही हूँ, चैलेंज के साथ कर रही हूँ। आप ये लोग सीरम बनाए, आप इसी तरह ये देखें, ये देखें इसी तरह आप लोग इनका मसाज करें, ये देखें ये मसाज है, इस तरह करें ऊपर की तरफ ये लेके जाए यहाँ पे, ठीक है। फिर जो ये आंखों के नीचे है ये देखिए इस तरह करके, ये मैंने वैसे मेकअप के लिए अपनी सीरम के तौर पे लगाना था मैंने अपनी मॉडल को, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स से ये शेयर कर लूं, क्योंकि सर्दियां हैं और बहुत से मेरे प्यारे व्यूवर्स को ये शिकायत होती है कि बड़े से बड़ा महंगे से महंगा सीरम ले रहे हैं फिर भी हमें बेस का मसला बन रहा है, हमारी स्किन ड्राई होती है, हमारी स्किन रफ हो रही है, झुरियां पड़ रही है। तो ये आप लोगों के लिए ही मैं लेके आई हूँ कि आप लोग इनके लिए आप लोगों को मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो ओके वीडियो को लाइक कर दिया करें, कम्प्लीट देखा करें। आप लोगों को मैं इस तरह की रेमेडी, इस तरह ट्रिक्स लेके आती रहा करूंगी, और बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि बर वक्त मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, यहां से लेके यहां तक। फिर आप लोगों ने ये आईब्रो को ये छोड़ना है, फिर आईज को यहां से लेके यहां छोड़ना है, फिर ये इधर से ये जो रिंकल्स हैं तो इसको ये, अगर आप लोग दोबारा से मसाज जो झुरियों का रिंकल्स का जो होता है, जो मेरी प्यारी व्यूवर्स मुझे काफी सारे कमेंट्स करेंगी मैसेज पे कहेंगी कि हमें डिटेल में ये जो है रिंकल्स मसाज बता दें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये तो मैं मेकअप के लिए अपनी स्किन, अपने मॉडल की स्किन को प्रेप कर रही थी। ये जो सीरम है ये आप लोगों को 10,000 का भी सीरम है ना वो भी इसके आगे जीरो है, मैं गारंटी से बात कर रही हूँ आप लोगों से। ये देखिए आप चमक देखें स्किन के अंदर, आप स्किन के अंदर ये देखिए शाइनिंग देखें, ये देखें ये मेकअप के लिए तैयार हो गई है। अगर हम सर्दियों में हम एक दिन छोड़ के ये रेमेडी करें या डेली आप 15 दिन करके देखें तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप ये देखें इसकी स्किन कितनी अच्छी ग्लोई हो रही है और मेकअप के लिए ये मुकम्मल रेडी हो रही है। फिर आपकी बेस कैसे क्रैक हो सकती है, यहां से ये, यहां से आप ये जो मैंने सीरम बताया है ये आप लोगों को सर्दियों में डेली रूटीन के साथ भी आप इसे लगाएंगे, और इसको मेकअप स्टार्ट करने से पहले कोई काशी की सीरम नहीं, कोई सरत मिसबा का नहीं, कुछ भी नहीं, आप ये लगाएं और मेकअप स्टार्ट करें, और गारंटी से मैं ये बात करती हूँ कि आपका 100% ये मेकअप स्टे करेगा और स्किन ग्लो करेगी रिंकल्स के लिए भी और हर एक चीज के लिए। चलें जी ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।